वेलकम बैक टू लिटिल टेरेस गार्डन और मैं आपकी गार्डनर दोस्त किरण। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अपने ऑल टोटल जितने गार्डन में प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स में हमें कुछ अपने प्लांट्स की न्यू तैयारी करनी होती है। और जो न्यू तैयारी की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं वो न्यू तैयारी के साथ साथ हमारे प्लांट्स के लिए बेहद ख़ास है फ्रेंड्स। और वो न्यू तैयारी क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि न्यू तैयारी में आते हैं हमारे पॉट्स, हमारे प्लांट्स जो हम समर्स में धूप से छुपा करके रख देते हैं, उन प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स, जो कि अभी हमको ऐसी जगह रखने होते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले हमारे प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं मैंने कुछ प्लांट, कुछ नहीं तकरीबन सारे ही प्लांट फ्रेंड्स ऐसी जगह रख दिए हैं जहाँ पर इनको धूप बहुत अच्छे से मिले। धूप के साथ साथ फ्रेंड्स ये देख रहे हैं बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि इंडोर प्लांट हो और चाहे फ्रेंड्स आउटडोर प्लांट हो, इनको हमें धूप चाहिए ही होती है। क्योंकि आपको पता है, हम सभी को पता है कि जो विंटर्स की धूप होती है वो कितनी हल्की होती है, और वो हल्की धूप हमारे प्लांट्स को चाहिए होती है फ्रेंड्स। अगर हम हमारे प्लांट्स को ये वाली धूप नहीं दे सकते तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो पत्ते उनके फ्रेंड्स पीले हो जाएंगे और बहुत ही ख़राब लगेंगे। और कई बार तो क्या होता है, जो सीजनल प्लांट होते हैं फूलों के फ्रेंड्स, उनको तो बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। अगर उन्हें धूप नहीं मिलेगी तो जो उनकी खुराक है उनको पूरी नहीं हो पाएगी और वो खिल भी नहीं पाएंगे, बर्ड्स नहीं बना पाएंगे प्लांट्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो हमारे जो जगह होती है, हम अपने टेरेस पे देख लें, मैंने तो फ्रेंड्स अपने ऑल टोटल जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जगह शिफ्ट कर दी है और जहाँ पे उनको धूप मिले वहाँ पे रख दिए हैं। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स ये देख रहे हैं यहाँ पर इनको धूप मिल रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने जितने भी प्लांट्स हैं, इनडोर हैं, आउटडोर हैं और फूलों वाले हैं या फिर परमानेंट प्लांट हैं जिनकी खूबसूरती के कारण हम लगाते हैं फ्रेंड्स, जैसे स्पाइडर प्लांट या फिर कोई भी, तो उनको फ्रेंड्स मैंने ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पे फ्रेंड्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले और मेरे जो प्लांट्स हैं ख़राब ना हो और इनको विटामिन डी मिलता रहे। और सबसे ख़ास है फ्रेंड्स, विंटर्स में हम अपने प्लांट्स को एक तो खाद दे दें, जितने भी हमारे पॉट हैं सब में खाद दें, काउटन दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा सीज़न होता है हमारे प्लांट्स में खाद देने का। और दूसरा फ्रेंड्स, इनको अच्छे से पानी दें, एक दिन या दो दिन की गैप पर ही पानी दें फ्रेंड्स, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये देख रहे हैं मॉर्निंग की धूप इन प्लांट्स पर मेरे लग चुकी है, और अभी जो 3 बजे के बाद वाली जो धूप है फ्रेंड्स वो अभी मेरे इन प्लांट्स को लगेगी शाम को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने जितने भी अपने प्लांट्स हैं सारे धूप में रख दिए। अभी देख रही हैं इधर कितने अच्छे से धूप आने चालू हो गई है और इन्हीं सारे प्लांट्स में धूप लगनी है। तो अब ये वाले प्लांट ले लो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग में 7 बजे फ्रेंड्स यहाँ पर धूप आती है और 7 से 8 के बीच में फ्रेंड्स इधर से धूप चली जाती है। बट ये दूसरी साइड से जब अभी धूप आएगी फ्रेंड्स ना, तो मेरे इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से धूप मिलेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने सारे पॉट ध्यान में रखते हुए ये फ्रेंड्स 3 बजे वाली धूप इन प्लांट्स को लगने वाली है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने सारे प्लांट थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा है कि किस जगह पर कितनी धूप लगने वाली है।
और कौन से प्लांट्स को परमानेंट धूप चाहिए। तो छत पे कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट धूप चाहिए होती है। तो हमारे टेरेस पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ मॉर्निंग से इवनिंग तक धूप आती है, तो कुछ प्लांट हमारे फ्रेंड्स वहाँ रख देने चाहिए हमें। और मैंने कुछ ऐसे ही किया है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दें और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ प्लांट अपने। और फ्रेंड्स ये मेरी ट्रम्पिक वाइन है, ये मैंने छोटी सी पौध ला के लगाई थी 30 रुपीज़ की माली से, और बरसात में लगाई थी फ्रेंड्स। और अभी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो रही हैं, ये देखिए, और इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स ये ट्रम्पिक वाइन के फूल भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कुछ प्लांट मेरे ऐसे हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जैसे ये प्लांट एग्लोनीमा, ये लिपस्टिक एग्लोनीमा। तो कुछ प्लांट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हम सभी को पता है कि इंडोर होते हैं, बट मैंने फ्रेंड्स ये टेरेस पे रख दिए हैं, बट ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पे थोड़ी सी फिल्टर होके इनको धूप मिलती रहे फ्रेंड्स। तो ये खूबसूरती से चलेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इनको थोड़ी बहुत धूप चाहिए ही होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने तकरीबन अपने प्लांट रख दिए हैं, कुछ छुपा के रखे हैं जिनको थोड़ी बहुत धूप मिले, और कुछ वैसे तो फ्रेंड्स विंटर्स में कलियों का फूलों का सिलसिला चालू हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बस ये ध्यान रखना है कि हमारे जो प्लांट हैं उनको धूप किस तरीके से मिले। देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो अभी गुलदावरी के मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, मैं कुछ तो मैंने पॉट से लगाए थे फ्रेंड्स और कुछ मैं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक इजीली पहुंचती रहे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।